नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश के खास बुलेटिन की। नवाबगंज में फर्जी पुलिसकर्मी बन लोडेड ट्रकों से वसूली करने वाले तीन साथी लोकेंद्र यादव, गगन तिवारी, आयुष अग्निहोत्री गिरफ्तार हुए हैं। पब्लिक की सूचना पर नवाबगंज पीआरवी ने स्वरूप नगर से गिरफ्तारी की है। आरोपियों के पास से पुलिस की वर्दी, कैंप, एक एसयूवी कार बरामद हुई। तीनों ही आरोपी कानपुर निवासी बताए जा रहे हैं। गगन तिवारी के पिता कमलेश तिवारी के नाम ये कार रजिस्टर्ड है। गाजीपुर के बहरियाबाद थाने की पुलिस ने बीते दिनों संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटकते मिले अधेड़ व्यक्ति के शव के मामले में खुलासा किया है। बीते 11 जून की सुबह कासिमाबाद के बहादुरगंज निवासी अधेड़ कलाम कुरैशी का बहरियाबाद के चकफरीद कुटिया के कब्रिस्तानों में पेड़ से लटका शव मिला था। बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने हत्या आरोपी पिता पुत्र को मीडिया के सामने पेश किया। एसपी ने बताया कि कमाल की हत्या उसके साले और साले के पुत्र ने गला दबाकर की है। ये जनपद गाजीपुर में थाना बहरियाबाद के अंतर्गत 10 जून की घटना है, जिसमें 11 जून को प्रातः चकफरीद गांव है तो वहां के जो कब्रिस्तान है वहीं पे एक डेड बॉडी फंदे से लटकते हुई मिली थी। उसका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पता चला कि स्ट्रेंगुलेशन से डेथ हुई। तो स्ट्रेंगुलेशन से डेथ होने के कारण इसको हत्या का मामला माना गया और अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। रामपुर में जिला कलेक्ट्रेट में विश्व हिंदू महासंघ के लोगों ने आज कलेक्ट्रेट परिसर में गौकशी और भ्रष्टाचार को लेकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही नगर मजिस्ट्रेट को ज्ञापन भी सौंपा है। शिकायत ये है, खुलेआम रामपुर जिले में गौकशी का खुला धंधा चल रहा है, जिसमें प्रशासन का भरपूर सहयोग है। खुलेआम हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, खुलेआम हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। आज दलालों के काम होते हैं, थाने में चले जाओ, किसी ऑफिस में चले जाओ, जब तक उन्हें रिश्वत नहीं दी जाती किसी गरीब का कोई काम नहीं होता। इसी को लेकर के विश्व हिंदू महासंघ आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जिलाधिकारी महोदय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपने जा रहा है। बुलंदशहर में सिंचाई विभाग के एक ठेकेदार के कारनामे के कारण मध्य प्रदेश के 16 परिवार भूखे सोने को मजबूर हैं। आरोपी के ठेकेदार उनकी मजदूरी का पैसा दिए बगैर गायब हो गया, जिसके चलते अब ये प्रवासी मजदूर और उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। हम यहाँ काम पे आए थे तो यहाँ हमारे को कोई खर्ची पानी नहीं मिल रहा है। इस कारण इसमें अभी तो आपको सब कुछ बताया ही है, कुछ भी नहीं है, घास फूस जो भी है हम बच्चों के लिए समझा रहे हैं। 6-7 दिन से भूखे पड़े हैं, एक दो रोटी रखा था अभी, वो दिखाया आपको, बताया बच्चों को खिला के, कुछ भी नहीं है हमारे पास। 6-7 दिन से भूखे हैं। परेशानी यही है हमारे लिए, कुछ खाने को नहीं है, क्या करें क्या ना करें, काम किया उसका पैसा नहीं मिल रहा है। अब न्याय के लिए मजदूर अधिकारियों की दहलीज के चक्कर लगा रहे हैं। खुर्जो SDM रवि त्रिपाठी ने संबंधित अधिकारियों को जाँच के आदेश देते हुए मजदूरों को समस्या का जल्द निस्तारण करने के आदेश दिए हैं। आज लखावटी मिर्ज़ापुर में एक हमारे यहाँ गांव है, खुर्जा तहसील के अंतर्गत आता है, वहाँ पे कुछ मजदूर हैं जो कि जो सिंचाई के लिए जो बम्बा है उसको उसका पक्का करने का कार्य चल रहा है सिंचाई विभाग के द्वारा, तो वो उसमें उस कार्य को पूरा कर रहे हैं। जो वो लोग रहने वाले मध्य प्रदेश के हैं, लेकिन उनको उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ लाया गया था कि उनसे वहाँ पर काम करें वो लोग, जिसके लिए उनका ऐसा कहना है, मज़दूरों का ये कहना है कि मज़दूरों को उनका भी मेहनताना मिला नहीं है, और जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही गरीबी व्यवस्था में रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा उनको खाने के भी पैसे नहीं है, जिसके लिए अभी मेरी बात हुई है XCN साहब से, रविंद्र कुमार चौधरी जी से बात हुई है। उन्होंने उसको ढूंढ भी लिया है कि वो व्यक्ति कौन है जिसके द्वारा ऐसा कार्य किया जा रहा है, जो नहीं दे पाया है इनको इनका मेहनताना, और वो उससे कंटिन्यूस टच में है। उसके अलावा मैंने दरोगा जी से भी बात करी, यहाँ पे थाने पर भी बात कर ली है, और दरोगा भी आए थे और दरोगा ने भी अभी आके उनके जितने भी लोग थे जिन जिन का नाम था, जो जो लोग उसके मालिक या उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन लोगों से बात की है। उसके मालिक का भी अभी बात हुई है, तो उसके मालिक ने कहा है वो सुबह ही आके करेगा, क्योंकि उसका भी ये कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कोई गलती की गई है इसमें बीच में, जिसके लिए वो कल कंप्लेंट भी करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट, और बाकी अब मामले का निस्तारण कल तक उम्मीद करी जा रही है कि पूरा हो जाएगा। अभी हमारे स्तर से जितना भी हो सकता था वो हमारे द्वारा कर दिया गया। श्रावस्ती में लगातार 5वें दिन बारिश जारी है। पड़ोसी देश नेपाल में भी बरसात होने से पहाड़ी नाले उफान पर है। राप्ती नदी का जलस्तर भी बढ़ता नजर आ रहा है। बीती रात 8 बजे राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 128.40 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया, जिससे
जमुनहा तहसील से जिला मुख्यालय भींगा सहित कई गांव के मार्ग में रुकावट आ रही है, यानी कि संपर्क टूट गया है। वहीं जमुनहा के दर्जन भर गांव बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। लगातार बढ़ते जलस्तर से स्थिति और ज्यादा खराब होने के आसार नजर आ रहे हैं। मथुरा में भाजपा नेता के दामाद की गोली लगने से संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। ससुराल में आए दामाद के ससुर की लाइसेंसी पिस्टल से गोली लगने से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि मजाक में गोली चल जाने से हादसा हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जांच जारी है। मथुरा के धौली प्याव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली निवासी एक युवक का सऊदी अरब से एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि रुखसान नामक युवक योगी जी और मोदी जी से उसे किसी तरह वापस भारत लाने की गुहार लगा रहा है। दरअसल 2017 में रुखसान नौकरी करने सऊदी गया था, जहां उसके मालिक ने उसे बंधक बना लिया। साथ ही वो रुखसान को ना तो तनख्वाह देते हैं, ना ही उसे खाना देते हैं। उसने रुखसान के सभी जरूरी दस्तावेज, पासपोर्ट इत्यादि अपने पास रख लिए हैं। साथ ही वो रुखसान के साथ मारपीट भी लगातार करता है। अभी मैंने बीच में आके रियाद में आके मैंने करीब 8 महीने काम किया। 8 महीने काम करने के बाद इसके कहे पर मैंने काम किया था। इसने बोला था कि जाओ मैं तुझे तनाजुल दे दूंगा और तो वहाँ पर जाके तनाजुल ले ले। मैं इधर आया, मैंने तनाजुल के लिए उससे बोला तो 4,900 रियाल मेरे रियाद वाले ने मेरे नहीं दिए। 4,900 रियाल की मेरी बेईमानी कर ली उसने और मेरा पासपोर्ट भी रख लिया उसने। मेरा अकामा भी छीन लिया उसने, मेरा पासपोर्ट अकामा दोनों छीन लिया उसने। और बोलता है जहाँ तुझे कंप्लेन कर मिले कर ले जाके जा। अब मैं यहाँ पर बहुत परेशान हूँ। योगी जी से मेरी निवेदन है कि मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकालें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 18 जून को दोपहर 2 बजे वाराणसी का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री हाथीबरनी इंटर कॉलेज के हेलीपैड पर लैंड करेंगे। सेवपुरी ब्लॉक के हाथी बाजार में गोद लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगे। इसके साथ ही सीएचयू निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से सर्किट हाउस आएंगे। इसके पूर्व कालिका धाम में NH फेज 2 के कार्यों का भी जायजा लेंगे। सर्किट हाउस में अफसरों के साथ बैठक के बाद रुद्राक्ष अंतर्राष्ट्रीय कन्वेक्शन और काशी विश्वनाथ धाम समेत अन्य परियोजनाओं का भी जायजा लेंगे। फिरोजाबाद में एक शादी समारोह में दावत में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला पुलिस को लेकर विवाह स्थल पर पहुंच गई। उसने अपने आप को शादी कर रहे युवक ललित कुमार की पहली पत्नी बता दिया और जमकर हंगामा किया। उसने बताया कि ललित ने और उसने आर्य समाज में शादी की है, साथ ही उसने सभी संबंधित कागज भी दिखाए हैं। वहीं पुलिस को देखकर दूल्हा मौके से फरार हो गया। पुलिस दूल्हे के पिता और चाचा को पकड़कर थाने ले आई है। शुकोहाबाद के गाँव नगला कांस का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। हमारी शादी हो चुकी है ललित कुमार के साथ, अब ये वो दूसरी शादी कर रहा है। आज किस तरह का विरोध हुआ है? आज उसकी लगन पक्की आ रही है। हमारी शादी होते हुए भी ये विरोध करने वाली तो बात है ना, इसलिए विरोध कर रहे हैं हम। और अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम उसी के द्वार पे ही मरेंगे। अलीगढ़ में पुलिस का एक हैरान कर देने वाला कारनामा सामने आया है। जिले के थाना अकबराबाद पुलिस ने 15 साल पहले मर चुके प्रसादी लाल पर छेड़खानी और हत्या के प्रयास जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। वाराणसी में देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि CNG स्टेशन वाराणसी के खिड़कियां घाट पर बनाया जा रहा है। ये स्टेशन प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के निर्देश पर बन रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो पहली बार पूरे प्रदेश में CNG नावे गंगा में चल रहा है और पूरे नावों को CNG में कन्वर्ट किया जा रहा है। वहीं पर वाराणसी मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि देश का पहला इको फ्रेंडली स्टेशन होगा, कि CNG नावे वाराणसी के खिड़किया घाट से चलेगी और पूरे घाटों को शोभा बढ़ाते हुए यात्रियों को घाटों का दर्शन कराएंगे। नाव पर बैठकर दर्शनार्थी गंगा आरती का भी आनंद ले सकेंगे। वहीं मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि करीब 100 नावों को CNG में कन्वर्ट किया जा चुका है। अभी और धीरे धीरे प्रोसेस नाव को कन्वर्ट करने का चल रहा है। ये खिड़किया घाट में हमारा ये काम चल रहा है, जिसमें हम लोग देश का पहला घाट पे CNG स्टेशन, अभी टेम्परेरी तो चालू हो गया, परमानेंट एक CNG स्टेशन बनेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण ही और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन के कारण ही हमारे सारे नावें जो है CNG में कन्वर्ट हो रही हैं। और मेरे ख्याल से देश का पहला ऐसे एक उदाहरण होगा जहाँ पे सारी नावें इको फ्रेंडली तरीके से चलेगी। ऑलरेडी हमारी 100 के करीब नावें ऑलरेडी कन्वर्ट भी हो चुकी है और धीरे धीरे प्रोसेस हमारी चालू है। कानपुर के मामूली विवाद में गाली गलौज को लेकर दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है। ग्रामीणों के बचाने पर दबंग जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए। वहीं घायल युवक को शिवली CSC में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर होने के कारण जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। शिवली के मर्ग गाँव का ये पूरा मामला। पीलीभीत कोतवाली गेट पर पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा चला। कुछ देर पूर्व पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर घर भेजा है। कोतवाली गेट पर ही पति पत्नी के बीच दोबारा अनबन होने लगी। पति पत्नी को ले जाने का लगातार
कोशिश कर रहा था, वहीं पत्नी रो रोकर बचाने की गुहार लगा रही थी। मामले का वीडियो बनाकर राहगीरों ने सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो कि वायरल है। बिसलपुर कोतवाली गेट के बाहर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली के मीरगंज में एक 15 साल की युवती ने खुदकुशी कर ली। ग्रामीणों ने पेड़ से लटके शव को देखा तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर से सुबह काम करने के बाद जंगल में घास काटने गई थी। इसमें ग्रामीण ने बताया कि नाबालिग लड़की का शव उसके ही दुपट्टे से पेड़ पर लटका मिला। घर वालों ने भी किसी पर शक जाहिर नहीं किया है। सूचना के मुताबिक पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। थाना मीरगंज में ग्राम किलमास में एक नाबालिग किशोरी की पेड़ से उसी के दुपट्टे से लटकी हुई जड़बड़ी प्राप्त हुई है। उनके घर वालों ने किसी पे किसी भी प्रकार का कोई शक जाहिर नहीं किया है, किंतु उनकी फौती सूचना पर हम लोग किशोरी का पंचायतनामा भरने के उपरांत पोस्टमार्टम करा रहे हैं और उसकी आत्महत्या किए जाने के कारणों की समीक्षा कर रहे हैं। पोस्टमार्टम में जो भी आएगा कॉज ऑफ डेथ, उसके हिसाब से कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव की संदिग्ध मौत का मामला अब और गर्माता हुआ नजर आ रहा है। सुलभ की मौत को परिजन हत्या मान रहे हैं। हत्या का ही शक होने पर सुलभ ने एडीजी जोन से अपनी सुरक्षा की फरियाद लगाई थी। पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने अपनी अगुवाई में गठित की है एसआईटी टीम। एसआईटी की टीम सुलभ की मौत की लगातार निष्पक्ष जांच करने में जुटी हुई है। सुलभ के साथ पत्रकारों से भी लगातार पूछताछ हो रही है। सुलभ के कॉल डिटेल्स की भी जांच हो रही है। जोन के अन्य उच्च अधिकारी भी एसआईटी की जांच पर नजर रखे हुए हैं। पत्रकार सुलभ श्रीवास्तव मामले की निष्पक्ष जांच की बात की जा रही है। पीलीभीत के एक गाँव में तालाब में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई। तहसील पुरनपुर के गाँव घुंगचिहाई का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बरेली के बारादरी में एक युवक को नर्स से छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया। दरअसल मंचला रोज नर्स का पीछा करता था। हद तो तब हो गई जब मंचले ने सरेरा युवती का हाथ पकड़ लिया और अपने साथ चलने की जिद करने लगा। युवती ने पहले तो उसको समझाया, जब वो नहीं माना तब युवती ने उसको सबक सिखाने की ठान ली। युवती ने हिम्मत जुटाकर सरेरा भीड़ के सामने लात घूसे और डंडे से मंचले की जमकर पिटाई कर दी। जब मंचले ने भीड़ इकट्ठा होती देखी तो पिटाई के डर से नर्स के पैरों में गिरकर माफी मांग लगा। वहां मौजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया, सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है और भारी बरसात से महाराजगंज में गंडक नदी सहित तीन नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं कई पहाड़ी नदियों का जलस्तर खतरे के निशान को छू चुका है। नेपाल के पहाड़ों से बहकर आ रहे महाब नाले का तटबंध चार जगहों से टूट गया है, जिससे सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। वहीं कई घरों में भी बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अमरोहा के थाना देहात इलाके के गांव हाशमपुर में घर में कूदने की कोशिश कर रहा तेंदुआ कैमरे में कैद हुआ है। गांव के ही एक शख्स ने अपनी कार से तेंदुए की वीडियो बनाई है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। क्षेत्र के कई गाँव में तेंदुआ का लगातार कई दिनों से घूमने का आतंक बना हुआ है। ग्रामीण लगातार डरे सहमे हुए हैं। नवाबगंज में बेटी की हत्या का बदला लेने के लिए योजना बना रहे एक पिता को नवाबगंज पुलिस ने दो सुपारी किलर के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से दो अवैध तमंचे, चार कारतूस, एक खोखरी बरामद की है। जानकारी के मुताबिक साल 2018 में क्लोडिया के गाँव डांडिया में प्रेम प्रसंग के चलते विजयपाल की हत्या रमेश चंद ने अपने भाई और साथियों के साथ मिलकर कर दी थी। इसी बात को लेकर विजयपाल के पिता ने दो सुपारी किलरों को रमेश चंद की 1.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। थाना प्रभारी नवाबगंज को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि वर्ष 2018 में श्रीपाल के बेटे विजयपाल की हत्या रमेश और उनके कुछ साथियों ने प्रेम प्रसंग के कारण कर दी थी। इसी हत्या का बदला लेने के लिए श्रीपाल कुछ लोगों को सुपारी दिया है। इस संदर्भ में थाना प्रभारी ने एक टीम बनाई और इस घटना को सत्यापित किया और श्रीपाल को गिरफ्तार किया गया, तो उसकी पूछताछ पे उसने सारी बातें स्वीकार की कि 1.5 लाख रुपए में उसने भंवरपाल और रामपाल को ये सुपारी दी थी और 82,000 रुपए इस घटना के लिए करने के लिए उनको उन्होंने दे भी दिए थे। उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।